कहां झलकता है, तो उसका वर्णन करते हुए आगे 53वें सूत्र के अंदर कह रहे हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे। देखो तो कहा कि प्रेम यदि वर्णन नहीं कर सकते, प्रेम को अपन कह नहीं सकते, तो प्रेम का अनुभव, यदि कोई प्रेमी जन है तो प्रेम का अनुभव, उसकी झलक हमें कैसे मिले। तब कहा कि प्रकाशते क्वापि पात्रे, जब कोई ऐसा योग्य पात्र हो कि जिसके अंदर प्रेम आवे, तो उसकी आभा, उसका प्रकाश ऐसा प्रगटता है कि उसे कुछ बोलना नहीं पड़ता, देखने वाले समझ जाते हैं कि आज कोई प्रभु का प्रेमी यहां पे आया है। और ये प्रेम ऐसा है, ये हर कहीं टिक नहीं सकता। अपने वहां कहते हैं ना कि शेरनी का दूध झीलना हो ना, तो उसके लिए सोने का पात्र होना चाहिए, और यदि सोने का पात्र न हो तो वो शेरनी के दूध में वो सामर्थ्य होता है कि पात्र को फाड़ के निकल जावे। और ऐसे ही ये प्रेम को झीलना है तो ऐसा कोई पात्र होना चाहिए, और ऐसा कोई पात्र होगा। तो कहते हैं ना कि प्रकाशते क्वापि पात्रे, और ऐसा कोई जीव के जिसके अंदर प्रेम प्रकट हुआ हो, तो उसके देह से, उसके आंखों में से, उसके वर्तन में से, उसकी वाणी में से एक ऐसी प्रेम की आभा निकलती है। और कहते हैं ये प्रेमी का सामर्थ्य भी होता है। बोले क्या कहते हैं, यदि कोई बहुत पहलवान हो, उसके पास आप बैठो, तो मात्र पास बैठने से पहलवान नहीं हो जाओगे। कोई बहुत धनवान हो, उसके पास आप बैठ गए, तो पास बैठने से धनवान नहीं हो जाते। कोई बहुत ज्ञानी हो, उसके पास सिर्फ बैठ गए, तो पास बैठने से ज्ञानी नहीं हो जाओगे। पर ये प्रभु का प्रेमी ऐसा होता है कि एक बार उसका संग कर लिया, तो आप भी प्रभु के प्रेमी हो ही बिना रह नहीं सकते। ऐसी आभा, ऐसा प्रकाश इसके देह में से निकलता है। इसे कहा प्रकाशते क्वापि पात्रे, और जब योग्य पात्र के अंदर वो आता है ना, तब प्रकाशित होता है। जब योग्य पात्र के अंदर, देखो कई बार किसी के संग से, किसी के रंग से, किसी के प्रभाव से अपने अंदर भक्ति जाग गई हो, पर पात्र योग्य नहीं है ना, तो फिर वो आत्मसात कर नहीं पाओगे। लेकिन योग्य पात्र में जब भक्ति प्रगटती है, तो उसकी आभा, उसका प्रकाश ऐसा चारों ओर फैलता है कि उसका संग हो तो उसका रंग लगे बिना नहीं रह सकता। ये बात यहां 53वें सूत्र के अंदर कही।